पूर्व केंद्रीय मंत्री भाजपा वरिष्ठ नेता आरसीपी सिंह की नई पार्टी की घोषणा को लेकर कहा जदयू विधायक ललित नारायण मंडल का बयान। कहा बिहार के लोग नीतीश कुमार के साथ है आरसीपी सिंह नहीं, जन आधार आरसीपी सिंह के साथ नहीं नीतीश कुमार के साथ है। आरसीपी सिंह को गलत फहमी हो चुकी थी कि जनता उनके साथ है, आज कोई भी कार्यकर्ता उनके साथ नहीं है। जेडीयू से अलग होने के बाद बीजेपी भी जान चुकी है आरसीपी सिंह की हैसियत क्या है, इसलिए किनारा कर दिया। उपचुनाव के नामांकन समाप्त होने पर कहा चारों सीट पर जीत हमारी है, चुनाव प्रचार में जनता की जो भीड़ पहुंच रही है वह इसकी गवाही दे रही है, महागठबंधन की जो सीट थी वह भी सीट अब हमारी हो जाएगी। देखिए जहां तक कि आरसीपी साहब की बात करते हैं, उनको अपनी चमक नहीं थी, नीतीश कुमार की चमक से वो चमकीला हुए थे और यही उनसे मिस हो गया। यहाँ पर उनको लगा कि जनता दल यूनाइटेड हमारी पार्टी है, जबकि जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी है। उन्हें सीधा तो ये नीतीश कुमार ही जनता दल यू एंड जनता दल यू इज नीतीश कुमार, इस बात को नहीं समझ सकते। आज एक भी कार्यकर्ता, एक भी जिलाध्यक्ष, एक भी MLA, एक भी MP उनके पक्ष में उस वक्त भी नहीं थे जिस वक्त पार्टी से अलग हुए थे, और आज तो दूसरी बात है, एक भी जनता दल यूनाइटेड का कार्यकर्ता या वोटर उनके साथ नहीं है। अगर ये बात होती तो जिस तरह जनता दल यूनाइटेड से अलग होकर BJP में ज्वाइन किए, वहाँ भी देखा गया कि इनकी कोई महत्व नहीं है, इसलिए उन लोगों ने इनको साइड ट्रैक कर दिया और अंत में इनको अपनी पार्टी बनानी पड़ी। और इनको एहसास हो जाएगा कि इनमें कितना दम है और नीतीश कुमार में कितना। तो उपचुनाव की बात करते हैं, चारों सीट पहले किसका था, एक सीट इमामगंज हमारा NDA का और तीन सीट जो है ये महागठबंधन का। लेकिन इस बार की परिस्थिति बहुत अलग है, हम अपने खुद पार्टी की तरफ से हमको सौंपा गया है बेलागंज उपचुनाव में हम जाते रहते हैं, आज वहीं जाके तैयार हो रहे थे, आप आ गए। NDA की मीटिंग में अपार भीड़ थी दो दिन पहले, और परसों जो उनका नॉमिनेशन था उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा भीड़ की संख्या में हम लोग संतुष्ट थे कि अपार भीड़ थी, जितना उम्मीद हम लोग नहीं किए थे, है ना, उससे ज़्यादा भीड़ थी। और जहाँ तक समीकरण की बात करते हैं तो हम उस समीकरण में हमारा उम्मीदवार भी उनके उसी समीकरण से आता है जिन पर उनको गुमान है और उनका वोट कट रहा है। आप जानते हैं कि प्रशांत किशोर जी जो उम्मीदवार दिए हैं वह भी उन्हीं का वोट काटेगा, और हमारा जो कि पिछड़ा का वोटर है, NDA का जो वोटर है और महिलाएं जो है वह इंटैक्ट है, और बेलागंज का भी रिजल्ट उनको पता चलेगा। उसी ढंग से इमामगंज की बात कीजिए और दूसरी जगह की बात कीजिए, रिजल्ट NDA के पक्ष में होगा और NDA का पता का चुनाव के बाद गिनती के दिन आप देखिएगा फायदा।